थैंक्स टू ऑल द ऑडियंस जिन्होंने इतना प्यार किया, हमें हमें यहाँ पे पहुँचाया है। सोचा नहीं था इतना प्यार मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्यार मिला है शो में आपके, और सिर्फ आप लोगों से नहीं, सिर्फ ऑडियंस से नहीं, मतलब सबसे सेट पे भी सबसे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबॉडी ऑन द सेट जिन्होंने इतने पॉजिटिविटी के साथ हमें हमने शो किया है, और आगे भी हम अनमूव करते रहेंगे। तो बस देखते रहिए जो भी, और आपके प्यार की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं, और बस उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार आगे से मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। वही बात है, वही चीज, वही लोग 50 पे बोला, फिर 100 पे बोला, फिर 200, 300। ये रुकने वाला नहीं है। जैसे 2 साल पहले गुजरात टाइटंस आया था ना आईपीएल में, लोगों को पता नहीं था कौन टीम है, कहाँ से आई थी, वो कौन है। बड़े बड़े महारथी थे, चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस ने सब कुछ हो दिया। ये सब गुजरात टाइटंस है। बहुत सारे नए बच्चे इसमें जुड़े हैं, लेकिन देयर एज गुड एज एनीबडी एल्स। आज किसी भी चैनल से कोई भी शो उठा लीजिए, हमारा शो बिल्कुल उनके टक्कर का है। और नॉमिनेटी है हमारे पूरे टीम की, टीम का मतलब राइट फ्रॉम द स्पॉट पॉइंट टू द प्रोड्यूसर, सब आ जाते हैं इसके अंदर, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं। आज हम मिले हैं, फिर कब मिलेंगे? 400 वही बात करता है। वही बात मैं फिर से बोलूंगी कि बहुत खुश है आज, बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि 300 एपिसोड कंप्लीट कर लिए, और आप लोगों का प्यार ही है जो हमें यहाँ तक लेके आया है। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। यस, बिल्कुल सही बोला कि बिना आपके प्यार के ये सफर जो है 300 एपिसोड का, एक साल का, तय नहीं होता। आप लोगों का प्यार है इसलिए यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बस ऐसे ही प्यार देते रहिए आप लोग। आई थिंक ये कॉन्टेंट है जो बहुत मैटर करता है। जिस तरीके से हमारा शो स्टार्ट हुआ और उसके बाद चीज़ें गई हैं अब तक 300 एपिसोड तक, आई थिंक उन्होंने ऑडियंस को जो है वो होल्ड करके रखा है और उनको जाने नहीं दिया। यस, कभी कभार चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, बट वापस से वो आ जाती हैं, और लाइफ में भी ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन आप वापस कम बैक करो तो आपका सफ़र, जर्नी बहुत अच्छी होती है। भाई हमारे शो के साथ हुई है, कभी कभी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, कभी चीज़ें हुई हैं, नीचे गया है, फिर ऊपर आया है, बट ओवरऑल अगर पूरी जर्नी देखी जाए, हम मोस्टली नंबर 1 पे रहे हैं, और शो को बहुत प्यार मिला है, इंटरनेट पे बहुत प्यार मिला है, यू नो सोशल मीडिया पे बहुत प्यार मिला है। तो यस, ओवरऑल अब तक सफ़र जो है वो बहुत अच्छा था, और बस उम्मीद करते हैं आगे भी जो भी सफ़र हो वो बहुत अच्छा हो। मैं यही कहूँगी कि हम लोगों को वही सब पसंद आता है, हमारे शो में सब कुछ है, रोमांस है, ड्रामा है, यू नो लड़ाई झगड़ा प्यार सब कुछ है। तो बस वही आप देखेंगे आगे, और भी बहुत कुछ आने वाला है, तो आई होप आपको वो भी पसंद आएगा। तो एक्चुअली हम लोग प्रेशर बिल्कुल फील नहीं करते, क्योंकि हमारे का हमारे हाथ में होता है कि हम मेहनत करें, जो भी हमारे पास चीज़ें आ रही हैं हम उसको 100% पोर्ट्रे कर सकें, उसको एग्जीक्यूट कर सकें, इमोट कर सकें, बाकी फैसला आप सबके ऊपर होता है। और अब तक ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने पसंद ही किया, मैं घूम फिर के फिर वही बात बोल रहा हूँ, आप लोगों ने पसंद ही किया उस चीज़ को, इस वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हो आप, बोलो। आपने काफी अलग अलग साइड सीक्वेंस भी किए, काफी चोट भी लगी है इस, तो हाउ वाज एक्सपीरियंस, मतलब चोट लगना, ब्लैक मैजिक भी होना, ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक का ट्रैक आया था ना कुछ, हां लावा का ट्रैक, हां हां, अरे आपको सब याद है, हम सब देखते हैं। तो क्या कहना चाहते हो, वाज एक्सपीरियंस दैट, मतलब उस दिन चोट भी लगी थी जब आप शूट कर रहे थे? हां, मतलब अब तक स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट डे से बहुत कुछ करने को मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। इनफैक्ट जो आप ब्लैक मैजिक का ट्रैक बोल रहे हैं, वो भी ऐसा था कि हमने ब्लैक मैजिक को प्रमोट नहीं किया।
आज भी होता है कई जगह पे, तो हम उसको बता रहे थे कि नहीं ऐसा होता है, ये हाथ की सफाई होती है, इस पे बिलीव नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, प्रमोट नहीं। एंड यस, फाइट सिक्वेंस में बहुत ज्यादा मुझे चोटें लगी हैं, और इतफाक से ऐसा जब हुआ है कि जब जब फाइट सिक्वेंस हुआ है तब तक कुछ ना कुछ मुझे लगा ही है, लेकिन फाइट वगैरह करने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है, तो वो दर्द कहाँ जाता था पता नहीं चलता था। और यस, पूरी जो टीम होती है उनके सुपरविजन में होता है, फाइट मास्टर आते थे, योगी सर डायरेक्शन वाले होते थे, सब लोग यहाँ पे होते थे, तो अच्छे से। तो यस, मुझे तो फाइट सीक्वेंस करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, इसलिए इनके इतने फाइट सीक्वेंस आते हुए।